नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आईपीएल 2020 का आगाज़ कुछ ही दिनों में होने वाला है। आईपीएल के 13वें सीजन का पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के खिलाड़ी जमकर प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं। चार बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी का जमकर अभ्यास कर रहे हैं और लंबे लंबे छक्के लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मुंबई इंडियंस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रोहित शर्मा के लंबे लंबे छक्के जमाते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में रोहित शर्मा ने एक 95 मीटर का लंबा छक्का जमाया जिससे गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई। रोहित के द्वारा लगाया गया छक्का इतना कमाल का था कि गेंद अबू धाबी के स्टेडियम के बाहर चलती बस की छत पर जाकर गिरी। इसे देखकर रोहित और टीम के दूसरे मेंबर खुशी से उछलते हुए नजर आए। मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बल्लेबाज छक्का जड़ते हैं, लेजेंड्स स्टेडियम के बाहर पहुँचाते हैं। बता दें, आईपीएल 2020 का पहला मैच उन्हीं दो टीमों के बीच हो रहा है जो 2019 के आईपीएल फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ खेली थी। आईपीएल के 12वें सीजन के फाइनल में मुंबई ने चेन्नई को आखिरी गेंद पर हराया था। फाइनल में चेन्नई को एक रन से हार मिली थी। चेन्नई ने आईपीएल का खिताब 3 बार जीता है। इस बार आईपीएल की शुरुआत में दोनों टीमें एक दूसरे को हराकर टूर्नामेंट की विजयी शुरुआत करना चाहेंगी। रोहित ने आईपीएल में अब तक 188 मैचों में 4898 रन बनाए हैं जिसमें 1 शतक और 36 अर्धशतक शामिल हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।